हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव पॉजिटिव और सिर्फ पॉजिटिव ही सोच रहे हो। अगर आप पहली बार ही चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मेरा पेज है, तो जाके मुझे वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं वीडियोस पोस्ट करती हूँ, तो इन केस अगर आपको और वीडियोस एक्स्ट्रा वीडियोस देखने हैं तो जाइए और मेरे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे फॉलो करिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। और अगर आपको कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, लाइक ओरिजिनल एक्टिवेट करा के अपने हिसाब से अपने पर्पज़ के लिए, तो वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो वो भी आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि अगले कुछ घंटे यानी कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन या आप जिनके बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस या अगर कोई एक्शन वो लेते हैं तो क्या हो सकते हैं, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। एक चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ ही मैच करेगी ज़रूरी नहीं है। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। डिवाइन हमें प्लीज बताए, क्लियर मैसेज दे और बताए हमारे व्यूअर के मन में जो इस वक्त है, जिन्हें सोचकर वो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट नहीं सॉरी नेक्स्ट फ्यू आवर्स की एनर्जी बताइए। डिवाइन क्या फील करेंगे? ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे वैनिटी का है, सेल्फ वर्थ का है और आइसोलेशन का है। ओके, बॉटम डेक में क्रिएशन है। सो हम इन कार्ड्स को करेंगे क्लैरिफाई। वैनिटी ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? वैनिटी ये कार्ड यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? ओके, द सन कार्ड विच इज़ लियो एनर्जी। सेल्फ वर्थ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। बहुत सारे कार्ड्स निकल के आए हैं, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। ओके, तो सेल्फ वर्थ को यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। आइसोलेशन क्यों है यहाँ पे, क्या दर्शा रहा है आइसोलेशन? डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दीजिए, गाइड करिए। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स और क्रिएशन बॉटम ऑफ द डेक क्यों है, क्या क्या डिनोट कर रहा है ये क्रिएशन यहाँ पे? व्हाई इज दिस क्रिएशन कार्ड हियर? सॉरी गाइज, लाइट चली गई है तो थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा लग सकता है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे लियो है, सिंह राशि। बाकी सारे साइंस आए हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस भी है, टॉरस वर्गो और कैप्रिकॉर्न भी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है अगले कुछ घंटों में। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के अंदर ना एक जंग छिड़ी हुई है। ओके, आपके पर्सन दो हिस्सों में बटे हुए हैं इस वक्त, जहाँ पे उनके मन का एक हिस्सा आपके तरफ उन्हें खींच रहा है और जो मन का दूसरा हिस्सा है वो उन्हें कह रहा है कि नहीं, तू खुश रह, तू आगे बढ़, तू उसके बारे में मत सोच, तू अपने करियर या बाकी चीज़ों पर ध्यान दे। तो इस तरह से आपके पर्सन दो हिस्सों में बटे हुए हैं। ओके, और कुछ एक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, किसी एक चीज़ को चुन नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और अगले कुछ घंटों की उनकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि जहाँ पे वो कंफ्यूज्ड रहेंगे, कभी उन्हें लगेगा कि नहीं
मुझे अपनी ग्रोथ पे, अपने लाइफ में मुझे कुछ बनना है, मुझे उस पर ध्यान देना है, मेरा अपना फैमिली है, मेरी अपनी करियर है, मेरी अपनी कुछ चीज़ें हैं, मुझे ये चीज़ करनी है या मुझे ये बनाना है, मुझे ये क्रिएट करना है, तो उनके पास एक लिस्ट है उनके अपने गोल्स की, उनके अपने डिज़ायर्स की, ओके, जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं, फुलफ़िल करना चाहते हैं, और धीरे धीरे, बड़े ही धीरे धीरे, आराम से वो ग्रेजुअल प्रोसेस चल रही है उनकी, उनके मतलब जो भी उन्होंने अपने लिए सोच रखा है, ओके, और अगले कुछ घंटों में ऑल्सो वो बहुत अकेला महसूस करेंगे. और ऐसा नहीं है कि आपने उन्हें बोला है कि तुम मुझसे बात मत करो या तुम्हारे साथ मुझे रिश्ता नहीं रखना है या मुझसे दूर रहो, नहीं, आपने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है इस पर्सन को. आप तो हमेशा ही इंतज़ार करते रहे हो इस इंसान का. ये जो अकेलापन है ये उन्होंने खुद चुना है अपने लिए. दिस इज़ नॉट समथिंग जो आपने इनको बोला कि तुम करो, ये इन्होंने खुद चुना अपने लिए, ठीक है. सो ये बहुत ज़्यादा, ये जो अकेलापन है, ये जो अपने आप को सबसे काट पीट कर रखा हुआ है इस इंसान ने, ये उन्हें बहुत चुभेगा ऑन अ वेरी बिग लेवल कि मैंने ये अकेलापन चुना और अब मुझसे ही ये सहा नहीं जा रहा है, ओके, क्योंकि दे नीड समवंस लव, दे नीड दैट केयर, दैट अटेंशन. और क्योंकि वही खुद दूर भागे हैं इन सारी चीज़ों से, अब उन्हें वही सारी चीज़ें हॉन्ट कर रही करेगी, ओके. मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन ये चाहते हैं कि मैं खुद ना जाऊँ उसके पास, वो खुद मेरे पास आए, ओके. वो चाहते हैं कि आप उनके पास जाए, आप उनसे माफ़ी मांगे या आप उनको मनाने की कोशिश करें. वो ये सब नहीं करना चाहते आपके लिए क्योंकि उन्हें लगता है उससे उनकी सेल्फ वर्थ यू नो कहीं ना कहीं कम होगी. उन्हें ऐसा लगता है कि मैं डिज़र्व नहीं करता कि मैं किसी से जाके सामने से बात करूँ या माफ़ी मांगूँ या रीच आउट करूँ. सामने से आए तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा या सोच लूँगा उसके बारे में. तो कहीं ना कहीं अगले कुछ घंटों में यही फील करेंगे कि नहीं, अगर सामने से कुछ आता है तो देखेंगे, अगर नहीं आता है तो फिर रहने दो. इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है. देख रहे हो कितने ढीठ है, क्योंकि इतना सह रहे हैं, इतना पेन हो रहा है, इतना हर्ट हो रहा है अकेलेपन में, लेकिन इनको अकेले ही रहना है, इनको अपने ईगो को ही बूस्ट करते बैठना है, ठीक है. मैं ये भी देख रही हूँ कि अपनी हैप्पीनेस पे, अपनी खुद की ग्रोथ पे, अपनी सेल्फ केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है. जितना हो सकता है उतना हैप्पी रहने की, पॉजिटिव रहने की, यू नो जॉयफुल रहने की कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हैं. जद्दोजहद लगी हुई है इनकी, लेकिन असलियत तो यही है कि अकेलापन इनको खल रहा है. सॉरी गाइस, मेरा गला थोड़ा ख़राब हुआ है. कल मैंने रात को दही खा ली थी, पता नहीं, मैं कभी भी नहीं खाती हूँ, लेकिन कल रात को मैंने रात को खा ली और मेरा इतना गला खिचखिच हो रहा है. सो सॉरी फॉर दैट. सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपनी हैप्पीनेस पे फोकस बार बार लाते हुए दिख रहे हैं. मतलब ये इजीली नहीं हो रहा है, ये ज़बरदस्ती करते हुए मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं कि नहीं, मुझे खुश रहना है, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है, मुझे अकेले रहना है. बट उससे उन्हें हैप्पीनेस तो बिल्कुल नहीं मिल रही है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं अगले कुछ घंटों की क्या एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की, क्या फीलिंग्स रहेंगे. क्लियर मैसेजेस दीजिए प्लीज़ अगले कुछ घंटों की. फीलिंग्स, इमोशंस, एनर्जी क्या होगी. ओके, यहाँ पे द क्लिंगिंग है, और बताइए डिवाइन. ग्रेस है, ड्यूरेशन है, और आखिरी कार्ड है यहाँ पे द रिसेप्टिव. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट्स. ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स. डिवाइन हमें प्लीज़ क्लैरिफिकेशन दीजिए इन कार्ड्स का. द क्लिंगिंग क्यों है यहाँ पे, द क्लिंगिंग क्यों है यहाँ पे. क्लिंगिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है टेन ऑफ पेंटिकल्स. ग्रेस क्यों है, ग्रेस क्यों है, क्या दर्शा रहा है ये ग्रेस यहाँ पे. द वर्ल्ड कार्ड. ड्यूरेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द ड्यूरेशन क्यों है यहाँ पे. सिक्स, सेवन ऑफ कप्स. और रिसेप्टिव क्यों है. ओके, यहाँ पे है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स. और बॉटम ऑफ द डेक में अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट्स क्यों है. यहाँ पे है द एम्परर.
ओके तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन तो एक ही है, एरीज यानी मेष राशि. बाकी यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है और जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस है. ओके तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ना बहुत अलग हो एक दूसरे से. हो सकता है आप दोनों के बैकग्राउंड अलग है, आप दोनों अलग अलग जगहों से हो, आप दोनों की सोच अलग है या पॉइंट ऑफ व्यूज़ बहुत अलग है. तो यू बोथ आर वेरी अपोजिट, आप दोनों में सेम कुछ भी नहीं है. अगर वो नॉर्थ पोल है तो आप साउथ पोल हो, इतने अपोजिट हो आप. ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ भी हो आप दोनों भी. आपके पर्सन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, पर्सनालिटी है, और आप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो. आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं. ठीक है, सो यू बोथ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन आप दोनों एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो है आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हो. आप दोनों के नज़रिया बहुत स्ट्रॉन्ग है. ईगो नहीं कह सकते, लेकिन गुस्सा बहुत दोनों को आता होगा, या स्ट्रॉन्ग हेडेड हो दोनों बहुत ज़्यादा. ठीक है, सो फिर भी अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन को ये फील होगा कि सामने वाला इंसान मुझसे इतना अलग है, वो मेरे जैसा बिल्कुल नहीं है, हम दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसकी तरफ इतना खिंच क्यों रहा हूँ, फिर भी वो मुझे इतना अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, उसमें क्या है ऐसा खास जो मैं अपना दिमाग या अपना दिल उससे हटा नहीं पा रहा हूँ. ठीक है, सो इस एनर्जी में मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं. दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रहा है कि देखिए ये चीज़ तो पक्की है कि आप दोनों एक दूसरे को खुशियाँ देते हो. चाहे आप दोनों में कितनी लड़ाइयाँ होती होगी, चाहे आप दोनों कितने डिफ़िकल्ट हो एक दूसरे के लिए, लड़ते हो, झगड़ते हो, आर्ग्यू करते हो या जो भी है, पर्सन आपके मानते हैं उस चीज़ को कि हाँ हम दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, हम दोनों बहुत ज़्यादा अलग है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी वो आपके साथ ही हैप्पी फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, कंपैटिबल भी फील करते हैं. ओके, सो कुछ है जो उन्हें ना आपसे जुदा नहीं होने दे रहा है पूरी तरह से. मतलब इतनी सारी उनको प्रॉब्लम्स नज़र आती है आप में या इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी कुछ है जो उनको आपसे जोड़े रखती है, या जो उनको ये कहती है कि नहीं तू उसी को बिलोंग करती है या उसी को बिलोंग करता है. ठीक है, सो ये वाली एनर्जी है. दूसरा मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ऐसा महसूस होगा कि अगले कुछ घंटों में उन्हें ऐसा महसूस होगा कि मुझे ना बंद के नहीं रहना है, मुझे क्लोज्ड ऑफ नहीं रहना है, मुझे अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना है. आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. ओके, अच्छे से मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है और खुश रहना है. और मेरी खुशी किस में है, अपने आप को जब मैं अच्छे से एक्सप्रेस करूँगा फुल्ली तब मैं खुश रहूँगा, ये आपके पर्सन महसूस करते हुए मुझे दिख रहे हैं. तो हो सकता है कि पर्सन खुश रहने के साथ साथ आपसे जुड़ने की कोशिश करे, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कोशिश करे. ठीक है, क्योंकि चाहत तो इनके आपसे जुड़ने की ही है, लेकिन इनका जो ईगो कह लो या इनके अंदर जो सेल्फ वर्थ या सेल्फ रिस्पेक्ट है इनकी, वो उन्हें बार बार यही बोलती है कि नहीं तू मत इनिशिएटिव ले. लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है दे विल कनेक्ट विथ यू. ओके, उनका दिल ओवर पावर कर लेगा उनके दिमाग को और वो नहीं रह पाएंगे आपसे दूर. मैं ये भी देख रही हूँ कि इस पर्सन को ये भी फील होगा कि हम दोनों के बीच में एक डीप कमिटमेंट है, हम दोनों के बीच में अनकही कमिटमेंट है. हमने कभी एक दूसरे को कमिटमेंट दी भी नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे डीप लेवल की अनसेड कमिटमेंट है. और मैं उससे दूर भी रहता हूँ तो मैं उसके लिए ऑनेस्ट रहता हूँ. और अगर मुझे उसको कुछ भी इस रिश्ते में देना चाहिए तो वो स्टेबिलिटी है. मुझे लगता है ये जिस भी लोगों के लिए आप आज ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये बहुत इनकंसिस्टेंट रहे हैं. कभी आपकी ज़िंदगी में चले आए, कभी आपकी ज़िंदगी से चले गए, कभी आपसे जुड़ गए, कभी आपको छोड़ दिया. ओके, तो कभी भी आपको कमिटमेंट उस तरह से नहीं दिया, कंटिन्यूटी नहीं रखी रिलेशनशिप में. आना जाना इनका लगा रहा है और आपको भी बहुत ज़्यादा मिक्स सिग्नल्स दिए हैं, कंफ्यूज्ड रखा है. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज मुझे ऐसा लगता है कि
वो ना जितना फीलिंग से भाग रहे हैं, इमोशन से भाग रहे हैं, उतना ही फ्रस्ट्रेशन एंग्जाइटी उनके अंदर बढ़ रही है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स में ना इमोशंस इनएविटेबल है, हम उससे भाग नहीं सकते, हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है कि हम इमोशनल है, हम सेंसिटिव है, या इस पर्सन के लिए हमारे अंदर इमोशंस है। हम उससे जितना भागते हैं ना, वो उतना ज़्यादा हमारे अंदर प्रेशर क्रिएट करता है। तो अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव फील करेंगे अचानक से ही। वो बहुत प्रैक्टिकल है वैसे तो, लेकिन वो बहुत इमोशनल फील करेंगे अपने आप ही। वो खुद नहीं होंगे, मतलब वो खुद नहीं ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन वो फील होगा उन्हें अपने आप, ठीक है। एंड वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और लास्ट में जाके थक हार के वो इमोशनल हो जाएंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे, या रोएंगे, या परेशान होंगे, या बहुत सेंसिटिव फील करेंगे, ठीक है। लेट्स सी मोर। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज देकर और बताए फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या एनर्जी रहेगी, क्या फीलिंग्स रहेंगी, क्या कुछ होने वाला है। ओके, अब आपको आई थिंक कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे, मैं भूल गई रिंग लाइट लगाना। एनीवेज, डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज देकर बताएं अगले कुछ घंटों की एनर्जी। डिटरमाइंड, मैं यहाँ पे रख देती हूँ कार्ड्स को। स्टबर्न, बेनिवोलेंट, बिटर, मलिशियस, और इल्यूजिव, क्यूरियस, कोडिपेंडेंट, और आखिरी कार्ड यहाँ पे है कंटेम्प्ट, और बॉटम ऑफ द डेक है एम्पथी। मैंने बोला ना, इस इंसान को आपकी केयर चाहिए, आपके प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, लेकिन ये दिखाते नहीं है। अब मैं इन कार्ड्स को करूँगी क्लैरिफाई, ठीक है। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज दे। मलिशियस की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, ये मलिशियस कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, ये मलिशियस कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। यहाँ पे डिटरमाइंड का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दे। जस्टिस, स्टबर्न की एनर्जी क्यों है, स्ट्रेंथ कार्ड। बेनिवोलेंट की एनर्जी क्यों है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बिटर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, द डेविल। इल्यूजिव की एनर्जी क्यों है, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्यूरियस क्यों है यहाँ पे, एस ऑफ वॉन्स। कोडिपेंडेंट क्यों है यहाँ पे, फोर ऑफ कप्स। और कंटेम्प्ट क्यों है, टेन ऑफ कप्स। और बॉटम ऑफ द डेक में एम्पथी क्यों है, द लवर्स। सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे अगर है जस्टिस लीब्रा, जस्टिस लीब्रा बोल रही हूँ, लीब्रा तुला राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, और जेमिनाई मिथुन राशि। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इस पर्सन को अभी भी नीड है आपके प्यार की, और आपका प्यार ही है जो इनको इमोशनल सपोर्ट देता है, आपका प्यार ही है जो इनको यू नो इनके सारे दुखों को भरता है, इनको हैप्पीनेस देता है सच्चे मायनों में। और ये चीज़ ये पर्सन फील करेंगे कि यार मुझे ना उस एक पर्सन का ही प्यार चाहिए, मुझे वही एक इंसान समझ सकता है, मुझे वही एक इंसान मेरी केयर करता है, मेरी परवाह करता है, मुझे समझाता है, ओके। क्योंकि ऐसा भी टाइम आया जहाँ पे पर्सन को आपने समझाया है, आपने इनको प्यार से यू नो चीज़ें समझाई है। दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना कुछ डाउट है आपके ऊपर, ओके। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसे काम कर रहे हो जो उनके दिल को चुभ रहे हैं, जो उनको हर्ट कर रहे हैं। कुछ तो आपके ऊपर डाउट है इस पर्सन को, ठीक है। दे डोंट ट्रस्ट यू 100%। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि आप सच में ऐसा कुछ कर रहे हो, या आप उनको दिखा रहे हो ऐसा कुछ करके, या आप उनको जलाने की कोशिश कर रहे हो, या पता नहीं क्या ही कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन को आप पे आ रहा है बहुत ज़्यादा डाउट। एंड दे फील एज इफ
यू आर डूइंग समथिंग दैट यू मस्ट नॉट डू. ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ कि अगले कुछ घंटों में, देखिए ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, इन्होंने, इनका नेचर कैसा है पता है, कुछ सोच लिया तो बस सोच लिया, कुछ ठान ली तो बस ठान ली, कुछ डिसाइड कर लिया तो बस डिसाइड कर लिया, फिर उसके आगे जाके कुछ सोचते नहीं है, फिर ये बहुत ढीठ बन जाते हैं, अपना मन बना लिया तो बना लिया. तो ऐसी एनर्जी में मुझे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में दिख रहे हैं कि बस मैंने सोच लिया, मैंने कर दिया, अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देख सकता. मुझे ये भी लग रहा है कि ये अपने आप को, ये मतलब स्टबर्न वैसे है, ढीठ है ये इंसान, लेकिन अगले कुछ घंटों में थोड़े से ये कम ढीठ, यू नो, लूज पर लूजन अप हो जाएंगे थोड़ा सा, बट ये अपने आप को हिम्मत देंगे कि नहीं, तू ढीठपना छोड़ मत, तू स्ट्रांग है, तू स्ट्रांग रह, तू गिव अप मत कर, तू इमोशनल मत हो. ठीक है, और मुझे ये भी लगता है कि मे बी आपसे कुछ हेल्प चाहते हैं या सपोर्ट चाहते हैं, मे बी कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट. तो अगर इन केस ये आपसे बात करते भी है तो ये आपसे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मांग सकते हैं, या कुछ ये मे बी उन्हें नौकरी चाहिए या मे बी उन्हें पैसा चाहिए, समथिंग लाइक दैट. तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये आपसे कुछ हेल्प मांगे. ठीक है, तो ये उस तरह से नहीं आएंगे कि मुझे प्यार है प्लीज़ माफ़ कर दो, ये मे बी अलग तरह से आएंगे कि प्लीज़ मेरे लिए जॉब ढूँढो या मुझे पैसे की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी हो सकता है फॉर सम ऑफ़ यू. देखिए इनके मन में आपके लिए डेफिनेटली कोई खटास है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बाद इस पर्सन के मन में आपके लिए खटास भर गई है और ये उसको अपने मन से, जहन से नहीं निकाल पा रहे हैं. ठीक है, और उस बात को लेकर बहुत गुस्सा भी है ये पर्सन. मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ना कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है आपकी फीलिंग्स फेड होते जा रही है, आपका प्यार उन्हें फील ही नहीं हो रहा है. जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है दे आर नॉट एबल टू फील योर फीलिंग्स, इमोशंस. उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आपका प्यार ख़त्म होता जा रहा है, फेड आउट होता जा रहा है. ठीक है, और उन्हें वो चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उस चीज़ को. ठीक है, यस, ये पर्सन बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे अगले कुछ घंटों में टू स्टार्ट समथिंग न्यू विथ यू, एक फ्रेश ऑफ़र आपको करने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए बहुत क्यूरियस रहेंगे. उनकी बहुत इच्छा होगी कि एक नई शुरुआत की जाए. उसके लाइफ में पता नहीं क्या चल रहा है, क्या वो मेरे, अगर मैं उसके सामने जाता हूँ कुछ ऑफ़र करता हूँ, क्या वो एक्सेप्ट करेगी या क्या वो एक्सेप्ट करेगा, ऐसी एनर्जी में दिख रहा है. आपको स्टॉक भी बहुत ज़्यादा करेंगे. देखिए आप दोनों भी ना एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए हो, वो खुश रहने के लिए आप पे डिपेंडेंट हो गए हैं, आप खुश रहने के लिए उन पे डिपेंडेंट हो गए हो. ना आपको उनके अलावा कोई भाता है, ना उन्हें आपके अलावा कोई भाता है. और वही एनर्जी नेक्स्ट फ्यू आवर्स भी रहेगी कि यार मुझे ना उसके सिवा कोई जचता ही नहीं है. मुझे 10 लोग भी मैसेजेस कर दे वो खुशी नहीं मिलती, अगर उस एक पर्सन का मुझे एक मैसेज भी आ जाए ना तो मुझे बहुत खुशी होगी, यही फील करेंगे. और देखिए इस पर्सन को ना आपके ऊपर सच में बहुत डाउट है. ये आपको या तो आपके सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या कुछ अंदाजे बांध रहे हैं कि आप खुश होंगे, आप तो एंजॉय कर रहे हो, आप तो किसी न्यू रिश्ते में बस गए, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया या आपकी शादी फिक्स हो गई, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, और बहुत जेलस फील करेंगे. सो या दैट वाज इट. कैसी लगी आपको ये अगले कुछ घंटों की रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. और अगर रीडिंग पसंद आती है लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर करिएगा. पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना एंड ऑल नोटिफिकेशंस ज़रूर ऑन करना ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले आ जाए. और कोई भी सर्विस लेनी है जैसे कि पर्सनल रीडिंग या क्रिस्टल ब्रेसलेट्स तो उसका नंबर आपको या उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे फॉलो ज़रूर करना. सो बाय, टेक केयर, लव यू.